हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ, लगातार मैं आपके लिए हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ उसके लिए, तो उसके साथ मैं आपके साथ स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ। सो गाइस, बैंक निफ्टी निफ्टी की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उस पर मैंने आपको जो चार्ट्स में एक्सप्लेन करा हुआ है उससे भी हमने देखा है कि कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ। जो भी मैंने आपको नीचे की तरफ सेलिंग लेवल्स और बाय लेवल्स दे रखे हैं गाइस, अभी मार्केट उसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक वो रेंज नहीं तोड़ता तब तक हम अपनी नए बैंक निफ्टी निफ्टी को एक्सप्लेन करने में कोई टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी कल वाली, तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की फुल एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। आप जाके लिंक में क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वो वीडियो देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं गाइस कि पाँच शेयर कौन से हैं जो कल थर्सडे के सेशन पे, जो कल मंथली एक्सपायरी है, उस पर किस तरीके से काम करेगा और हमें किस तरीके से उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड लेना है। गाइज, हम देख सकते हैं कि 6,900 करोड़ तक की बिकवाली कर चुका है FII एक हफ्ते के अंदर। हम एक हफ्ते भी ना माने तो 4 दिन के अंदर अंदर ये 6,500 करोड़ की बिकवाली कर चुका है FII। हम देख रहे हैं कि FII बिकवाली करे जा रहा है और DII खरीदे जा रहा है। हम देख रहे हैं कि DII की खरीदारी इतनी नहीं हो पा रही है जितनी FII की बिकवाली हो रही है। पर गाइज, जिस तरीके से बिकवालियाँ चल रही है, ये सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस नहीं बेच रहे हैं। पोजीशन इसमें से हम मान के चले तो अगर इन लोगों ने 30-35 हज़ार करोड़ की बिकवाली कर ली है, तो उसमें से सिर्फ 3,000 करोड़ का अपनी पोजीशन हल्की करी है। सुपर गाइस, अभी भी मुझे लगता है कि ये जो है मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है और इनमें FII में बिकवाली और ज़्यादा बढ़ सकती है। हम देख रहे हैं कि 5 दिन से लगातार मार्केट में गिरावट आ रही है, और वो कितनी दिन और गिरावट चल सकती है या अब कब उछाल देखने को मिलेगा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक में क्लिक करेंगे ऊपर, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन पर भी मैं वो लिंक डाल दूंगा, जाके आप चेक कर लीजिएगा। अब एक्सपायरी वाले दिन कल थर्सडे को 25 जुलाई को कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें बाय या सेल करके चलने चाहिए जिससे हमें पैसा कमाने को मिल जाए, तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉट्स की। तो स्कॉट्स को सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको 486 के अगर आसपास, अगर आपको मिलता है 483 करंट मार्केट प्राइस है। सो ये हमने अपने क्लाइंट्स को ऑप्शन के थ्रू भी अगस्त में शॉर्ट की सलाह दे दी है, क्योंकि इसके जो डाउन साइड है वो 460 तक की लगती है। पर्टिकुलरली स्कॉट्स ने एक बियरिश पीनट पैटर्न का हमने देखा है कि एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है 500 के लेवल से। सो गाइज, अभी भी हमारे लिए कि स्टॉक होल्डिंग में है फॉर शॉर्ट साइड, तो अभी भी मुझे लगता है कि ये और गिर सकता है। कल मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस जो है कि अगर थोड़ी बहुत मार्केट बाउंस बैक करती है तो ये थोड़ा बहुत बाउंस करे, तो उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का रखना पड़ेगा और हायर साइड में हम इसे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अमराजा बैटरीज बाय करने की सलाह दी जाएगी। 633.5 की क्लोजिंग है, 636.5 के ऊपर जैसे ही निकले आपको इस पर बाय पोजिशन इनिशिएट कर लेनी चाहिए। 640-646 के हम इंट्राडे टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर निकलने का मतलब मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मतलब अगर इसके ऊपर निकलता है तो उसके ऊपर 15-20 आधा घंटा रुकना चाहिए, या टेस्ट ऐसा ना हो कि 36.6.7 गया और आपने बाय कर लिया हो, वहाँ से वो तुरंत नीचे आ गया। तो एक बार ऊपर जाता है तो नीचे आके दोबारा ऊपर जाएगा, तभी आपको बाय करना है इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर या हर काउंटर के अंदर। पर गाइस, ये 650 का एक इसका अल्टीमेट टारगेट है। जैसे ही ये 650 के टारगेट प्राइस के ऊपर 2 दिन बंद हो जाता है, तो इसका एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 650 के अंदर। गाइज, ये अपना सेकेंड शोल्डर इनिशिएट कर रहा है 650 के लेवल के ऊपर। हम देख रहे हैं मार्केट जितनी नीचे गिर जाए, ये स्टॉक रिकवर करके अपने हायर साइड में लेवल ही बंद कर रहा है, अगर आप इसके चार्ट्स को देखेंगे तो। अगर ये 650 के ऊपर 2 दिन के ऊपर हरी कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ से 710-720 तक के लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। GNFC बाय करने की सलाह दी जाएगी। 209.8 के ऊपर निकले तो ही बाय करना है, 209 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। 213-215 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल आया परसों 2 दिन के अंदर की मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ GNFC के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 206.6 का लगा के चलना पड़ेगा। बाटा इंडिया हम देख रहे हैं कि बाटा इंडिया में लोअर साइड में जाता है, बहुत नीचे जाता है, पर वहाँ से रिकवरी आ जाती है, और आज इसने पहली, हम इतने देख रहे हैं कि इतने टाइम बाद जाके ग्रीन कैंडल पर जाके इसने क्लोजिंग दी है, हायर साइड में क्लोजिंग दी है। सो गाइस, एक ये बाटा एक ट्रेड बन सकता है। मुझे लगता है कि ये 1225 तक आराम से जा सकता है।
1225 तक बाटा इंडिया पे आप ट्रेड लेकर चल सकते हैं, और 1291 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर आपको 1300 के आसपास मिलता है तो आप इसमें एक्यूमुलेट करके इंट्राडे की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, बेस्ट काउंटर लगता है, बहुत अच्छे ट्रेड हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा तरीके से आज इसने अपनी रिकवरी दिखाई है और ऊपर की तरफ ये बढ़ा है। सो 1483 इसका करंट मार्केट प्राइस है, 14 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1386 दिख रहा होगा, पर 1486 के ऊपर ही अगर निकलता है सो अगर आपको इसको बाय करके चलना पड़ेगा। अगर आपको ये लोअर साइड में भी मिलता है कल इंट्रा डे पे तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप एक्यूमुलेट करके चलिए, और अगर आप ये लोअर साइड में खरीदते हैं, अगर आपको कल ये 5-6 रुपये नीचे भी मिलता है तो आप अपना स्टॉप लॉस 5-6 रुपये नीचे और इसके करके चलिए और ट्रेड लेकर चलिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 1498 1500 रुपये तक के लेवल्स इंट्रा डे पे आपको आराम से दिखा देगा एशियन पेंट्स। तो गाइस ये 5 काउंटर आपके लिए मैं चुन के लाया हूँ साइड बाय साइड। आपको पता होगा कि मैं ट्रेड टॉक की सीरीज आपके साथ स्टार्ट करी हुई है, उसमें मैं आपको डिटेल्ड में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाता हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आर्ली चार्ट, हर टाइम फ्रेम पे पर्टिकुलर एक स्टॉक को लेकर उसकी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस निकालते हैं और हम निकालते हैं कि कब हमें अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करना होगा। तो गाइस मैंने मारुति की वीडियो बना दी है, जाके आप ज़रूर देखिए, ट्रेड टॉक की 5th वीडियो है वो मारुति के ऊपर। अगर आपको वो 5ों ट्रेड टॉक की सीरीज़ देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं वो डाल दूंगा लिंक्स, आप जाके मेरी 5ों के 5ों वीडियो देखिएगा। डिटेल्ड मैंने एनालिसिस कर रखी है, 10 साल के सपोर्ट पे वो ट्रेड कर रहा है, कहाँ से बाउंस कर सकता है, या 10 साल 15 साल के रेजिस्टेंस पे वो ट्रेड कर रहा है तो वो कहाँ से गिर सकता है, ये 5ों स्टॉक्स पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। गाइस जाके ज़रूर देखिएगा, आप अच्छा खासा फ़ायदा और प्रॉफिटेबल ट्रेड हर दिन भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में कमा सकते हैं। तो गाइस जाके ज़रूर देखिए। अभी इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वो सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे शिवांश भसीन मेरा नाम डालेंगे तो आप जाके उस पर देख सकते हैं।